मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के लोगों को राहत देते हुए 100 यूनिट बिजली फ्री की है, जिससे आमजन में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। तो एक तरफ सिलेंडर 500 रुपए में, वहीं दूसरी तरफ 100 यूनिट फ्री बिजली। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि सरकार का महंगाई राहत कैंप और 100 यूनिट बिजली फ्री करने का कदम सराहनीय है। कांग्रेस नेताओं ने सीएम की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रदेश के मुखिया ने जो योजना प्रदेश भर में चलाई है, उसका सीधा फायदा आमजन को मिल रहा है। लेकिन वहीं विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है कि चुनाव के कुछ महीने पहले ही इस तरह की योजना देकर आमजन को गुमराह किया जा रहा है। राहत कैंप चालू कर रही है, वास्तव में इन कैंपों की कोई जरूरत नहीं थी। जब बजट में घोषणा कर दी कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, तो 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, इसके लिए कैंप लगा करके, कैंप में जनता को बुला करके और सारे अधिकारियों को पाबंद करके, अधिकारी वहाँ सारे विकास के काम रोक करके वहाँ आकर के बैठ गए और ये कैंप आयोजित कर रहे हैं केवल अपना नाम कमाने के लिए, केवल नाम प्रचारित करने के लिए ये कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। एक दिन का उनका रोजगार समाप्त हो रहा है, वहाँ आकर के कैंप में धक्के खाते हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। मैं सोचता हूँ ये फिजूल खर्ची है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। साढ़े चार साल में इस सरकार ने कुछ किया और अब 6 महीने बाकी है चुनाव को लेकर, और ये अब आ रहे हैं कि हम राहत कैंप देंगे। महंगाई क्या करेंगे राहत कैंपों में, ये बताइए आप। ये देख क्या रहे, सारी की सारी योजनाएं जो चल रही है वो सारी भारत सरकार की है, बीजेपी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चलाई हुई, या टोटल की आप टोटल देख लो, आप जितनी की जितनी योजना है सारी की सारी योजनाएं मोदी जी की। किसी सूरत में ये सरकार वापस नहीं आएगी, जनता बहुत त्रस्त है।